मैंने ये नियम तो सीखा है, मैं आपको मेरी पर्सनल राय बताता हूँ। जब येस बैंक के मैंने सबसे पहले येस बैंक के शेयर खरीदे थे, और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा येस बैंक वाले शेयर मुझे भयंकर घाटा लगा, तो मैं भागा नहीं, मैंने येस बैंक के शेयर बेचे ही नहीं। मैंने कहा मैं घाटे में नहीं बेचूंगा, पापा ने इतना सिखाया है, घाटे में नहीं बेचूंगा। बट एक चीज मैंने समझ ली कि अब येस बैंक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, अभी तो रुक के करूंगा, जो भी होगा आगे देखेंगे। येस बैंक को होल्ड पे रख दिया। मैं घबराया नहीं, ऐसा नहीं मैंने इन्वेस्टमेंट बंद कर दी, नहीं। मैंने क्या सोचा कि मुझे येस बैंक में जितना घाटा हुआ है ना, मैं पकड़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, अच्छे अच्छे शेयर पकड़ता हूँ, उनकी रिसर्च की मैंने, उनमें मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई। पहली मेरी येस बैंक पे इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा थी, मतलब 5-6 शेयर में पैसा लगा था, उसमें येस बैंक में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा थी। मुझे दुख होने लगा कि मैंने इतना पैसा गवा दिया। बाद में मैंने क्या किया, आज मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका मुश्किल से कोई 2% ही पैसा मैंने येस बैंक में लगा रखा है। पहले 50% था, मतलब पहले जितना मैंने पैसा लगा रखा था उसका 50% पैसा येस बैंक में लगा हुआ था। आज मेरा इतना बड़ा पोर्टफोलियो है कि उसका सिर्फ 2% पैसा ही येस बैंक में लगा हुआ है, तो हमें दुख नहीं होता। जितना मुझे घाटा हो रहा है उससे मैं 5 गुना ज्यादा कमा चुका हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लर्न द थिंग।